goes till I get up. Time is barely on our side. ये है आटा का उत्तपम। देख सकते हो कितना सॉफ्ट और परफेक्ट बना है और वे बहुत गर्म है और पीछे से भी एकदम परफेक्ट गोल्डन सिका है, हल्का सा पीछे से करारा है और पूरा का पूरा बहुत सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखो तो लोग खा के बताओ कैसा बना है। तो चलो देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। सबसे पहले मैं लूंगी एक कटोरी आटा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आधा कटोरी दही, जिस कटोरी से मैंने आटा नापा था उसी से नाप की आधी कटोरी दही, एंड लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, मुझे धनिया का फ्लेवर बहुत पसंद है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा पानी और मैं इसका एक अच्छा सा गाढ़ा सा बैटर बना लूंगी। मेरा बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। बैटर को आप थोड़ा सा गाढ़ा रखना है ऐसे, एंड लास्ट में मैं इसमें ऐड करूंगी एक पैकेट इनो। अगर आपके पास डब्बा है इनो का तो आप एक चम्मच डाल सकते हो उसमें से, एक पैकेट के बराबर होता है। अब मैं इसे हल्के हाथ से मिला लूंगी। यहाँ मैंने तवा रखा है गरम होने के लिए। आप कोई फ्राइंग पैन भी ले सकते हो जिसके पास, जिसके साथ एक लिड हो, लिड होगा तो बेस्ट रहेगा। मैं आपको तवे पर दिखा रही हूँ, लेकिन तवा जैसे ही हल्का सा गरम होगा उसमें मैं ये बैटर डाल दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ, अगर आप नहीं खाते हो तीखा तो आप अवॉइड कर सकते हो, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर। अब आप इसको हाथ से थोड़ा प्रेस कर दो जैसे ये अंदर चला जाए सब सब्जी। अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। ऑयल डालने के बाद आप इसको किसी बर्तन से ढक सकते हो, ये ऑप्शनल है, मैं एक ढक्कन से इसको ढक देती हूँ। ढकने के बाद इसका फ्लेम मैं थोड़ा सा हाई कर दूंगी, लाइक मीडियम हाई। अब देखोगे ऊपर से कितना सुंदर गोल्डन कलर आया है। अब हम इसे पलट के भी थोड़ा सा सेक लेंगे। आई होप गाइज ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।